आज हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए मान लीजिए दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में करते क्या है, वेक्टर फॉर्म में हम जो है जो फोर्स होता है, ठीक है, पहली बात तो इसमें क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, पहली बात मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल ही लेते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। अब वेक्टर फॉर्म आने की वजह से एक नई चीज का जो है हम लोग इवोल्यूशन कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन के बारे में जानने के लिए वेक्टर फॉर्म बहुत जरूरी है। तो जैसे कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, यहाँ पे रखे हुए हैं। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल करता है किस फोर्स से, मान लीजिए एफ फोर्स से निकल रिपेल करता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एफ टू वन क्या होता है, किस पे, किसको रिपेल कर रहा है, क्यू टू चार्ज को। तो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, और किसकी वजह से रिपेल हो रहा है, क्यू वन की वजह से रिपेल हो रहा है, तो ड्यू टू फर्स्ट चार्ज यानी कि क्यू वन। ऐसे ही क्या होता है, एफ वन टू क्या होता है, ये फोर्स ऑन Q1 यानी वन चार्ज, फर्स्ट चार्ज, ड्यू टू किसकी वजह से, Q2 चार्ज की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है यूनिट वेक्टर का, जैसे कि हम ये देख रहे हैं ये चीज क्या है, इसका मतलब होता है ये Q1 से Q2 डायरेक्शन में ये होता है। अब इसका मतलब क्या होता है R21 का, मैं वेक्टर्स आपको पढ़ाया है, अगर वेक्टर की बात करें तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यानी कि अगर मान लीजिए Q1 चार्ज आपका यहाँ रखा हुआ है और आपका Q2 चार्ज आपका यहाँ रखा हुआ है, तो जब इसको ओरिजिन से मिलाते हैं तो जो वेक्टर फॉर्म होता है, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कौन सा है, R1 वेक्टर है, और ये वेक्टर कौन सा है, R2 वेक्टर है। और अगर Q1 और Q2 को मिला देते हैं, तो उस वेक्टर को क्या कहते हैं, R21। R2 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1, ठीक है, इस चीज को आप जान रहिए। तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ, हमने बता दिया आपको कि मान लीजिए दो पॉइंट चार्जेस अगर रखे हुए हैं Q1 और यहाँ पे Q2, और इसके पोजीशन वेक्टर क्या है R1, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R2, तो ये जो वेक्टर होगा इधर से इधर, इसी को R21 कहते हैं, ठीक है। अगर R21 जो इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं वो होता है वेक्टर ऑफ R21 अपॉन मॉड ऑफ R21 यानी मैग्नीट्यूड। इससे क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, यूनिटी, मैग्नीट्यूड तो यूनिटी आता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन अलोंग किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में R21 होता है, और R21 का डायरेक्शन क्या है, इनिशियल पॉइंट तो 1 है और 2 की तरफ गया है, तो R21, इसी को क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यूनिटी कैसे आता है इसका मैग्नीट्यूड, ये भी देख लीजिए, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसके बराबर होगा, तो दोनों कैंसिल होके क्या बनेगा, यूनिटी बनेगा, इसीलिए इसका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, ओके। अब देखिए यही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है, ठीक है, यही चीज मैंने लिखी हुई है कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या करते हैं, फोर्स का निकालते हैं। हमने बताया यहां पर Q1 Q2 चार्ज है जो कि पॉइंट चार्ज है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इनके सेंटर्स की, वो आपकी क्या है, आर है, ठीक है। और F21 मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन अगर निकालें तो क्या लिखते हैं, 1/4πε0 अगर एयर है, Q1 Q2/R2, ये तो लिखते ही थे, लेकिन अब हमें इसकी डायरेक्शन लिखनी है क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर है, तो वेक्टर की डायरेक्शन लिखने के लिए इस डायरेक्शन में एक मैग्नीट्यूड निकालते हैं। R21 मतलब होता क्या है कि आपका Q2 डायरेक्शन में एक वेक्टर है, ठीक है, एक यूनिट वेक्टर है जो Q1 से Q2 डायरेक्शन में है। तो इसको अगर लिखेंगे, अगर वेक्टर की बात करें हम सिर्फ, तो वेक्टर की बात करेंगे तो R2 माइनस R1 यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए। अब अगर मान लीजिए हम इसको और मतलब और इसको ओपन करते हैं तो क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2, ये आपका R² तो था ही, और इसकी जगह क्या हो सकता है, यूनिट वेक्टर को मैंने क्या बताया था अभी, R21/mod of R21, तो mod of R21 क्या है, यही डिस्टेंस ही है, ये जो R डिस्टेंस है वही mod of R21 है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2/R³ × R(21), ये वेक्टर है, यहां यूनिटी नहीं है, तो ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन वेक्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है, यही चीज मैंने आपकी यहां पे लिखी हुई है। अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट,
ये तो था फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, अब हम निकालते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसकी वजह से इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इसके डायरेक्शन को दिखाना है, किसके डायरेक्शन को, इसके डायरेक्शन को, तो हम यूनिटी वेक्टर क्या लेंगे, आर वन टू यूनिटी वेक्टर। और आर वन टू जो होता है यूनिटी वेक्टर, उसी वो क्या होता है, वेक्टर ऑफ आर वन टू अपॉन मॉड ऑफ आर वन टू। तो जो मॉड ऑफ आर वन टू लीजिए चाहे मॉड ऑफ आर टू वन लीजिए, अगर उसके मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो आर ही के बराबर आएगा, यही यही जो आर है इसी के बराबर आएगा। तो इसी को जब हम उठा के यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे उठा के इसको अगर हम पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब। और यहां पे वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, आर वन टू का, जो R12 का वेक्टर है ये क्या होता है, R1 माइनस R2 का वेक्टर। यहां पर फाइनल पोजीशन क्या है आपकी, ये है, और यहां पे इनिशियल क्या है आपका, ये है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये चीज आपका हो गया कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी यहां डायरेक्शन दिखाने के लिए ये इतनी चीजें लिखी गई हैं, ओके। तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं इसी में, इसको रफ करते हैं और अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ कूलॉम लॉ के बारे में पढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म में जो कूलॉम लॉ होता है इसका इम्पॉर्टेंस क्या बनता है, इसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो फोर्स होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि अगर मान लीजिए पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, यानी बोथ आपके सेम चार्ज हैं, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करें, इसका मल्टीप्लीकेशन करें, तो आपका ग्रेटर देन जीरो आएगा। इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो यानी कि इसमें क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। इसी को मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा। और अगर मान लीजिए पॉजिटिव और निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे चार्जेस को, तो आपका क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, क्योंकि निगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब जब लेस देन जीरो आता है इसके बीच में क्या लगेगा, आपका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट लिखने का मेन पर्पज आपका यही था, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए यहां से। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए जो आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, मैंने आपको बताया मान लीजिए दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, और इसके अलोंग ये फोर्स ऑफ टू ड्यू टू वन लग रहा था, यहां पर फोर्स ऑफ वन ड्यू टू टू। ये इधर की तरफ आर ऑफ टू वन का जो है यूनिट वेक्टर था, इधर क्या था आपका, आर ऑफ वन टू का यूनिट वेक्टर। यानी यहां से आप देख सकते हैं कि आर ऑफ टू वन यूनिट वेक्टर और जो आर वन टू यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, बोथ क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आता है, लेकिन डायरेक्शन क्या है इसके, अपोजिट है। इसी वजह से क्या होता है, जो आपके फोर्स के डायरेक्शंस होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, एफ ऑफ टू वन जो होगा और एफ ऑफ वन टू, ये भी किस डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लिखे होंगे, ठीक है। और इसीलिए हम एफ ऑफ टू वन को माइनस ऑफ एफ ऑफ वन टू लिखते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका आर टू वन वेक्टर था आपका फोर प्लस थ्री जे, ठीक है, यानी फोर आई कैप, मान लीजिए फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप, ठीक है। तो आर ऑफ वन टू जो आपका होगा, अगर वेक्टर की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट निगेटिव साइन हो जाएगा, फोर ऑफ आई कैप प्लस थ्री ऑफ जे कैप, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो दोनों फोर्स लगते हैं वो बोथ अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, और इनके, क्योंकि इनके यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो डायरेक्शन के लिए ही जो है आपको वेक्टर फॉर्म पढ़ाया जाता है, इसलिए एफ ऑफ टू वन और एफ ऑफ वन टू भी अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ओके। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट समझते हैं हम लोग, ये जो मैंने लिखा है कि ये है क्या। देखिए ये जो आपके पॉइंट चार्जेस होते हैं, ठीक है, इसमें लिखा एक्ट अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इसके लाइन ज्वाइनिंग क्या है, यही है, यानी ये मान लीजिए Q1 था, ये Q2 था, इसके लाइन ज्वाइनिंग यही है। तो जो फोर्स F ऑफ टू वन लग रहा है वो किस, इन्हीं लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज के अलोंग ही लग रहा है। ऐसे ही जो ये F ऑफ वन टू लगता है, ये भी इसी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस के बीच में लग रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जो F ऑफ वन टू, F ऑफ टू वन, ये जो मैंने आपका कहा F ऑफ वन टू, F ऑफ टू वन, ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से कह सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं, या इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स जो होता है आपका, वो कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। क्यों, क्योंकि ये लाइन ज्वाइनिंग ऑफ
जो ये सेंटर्स के इनके लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी लाइन ज्वाइन के अलोंग ही फोर्स लगता है। यानी कि इसका मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि इसकी वजह से जो ये रिपल्शन लग रहा है ये इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके वजह से ये रिपल्शन इधर, ये रेडली आउटवर्ड लग रहा है इसी के लाइन ज्वाइन। देखिए लाइन ज्वाइन करते चले जाइए तो फोर्स उसी डायरेक्शन में है। कभी ऐसा नहीं होगा कि इस तरीके से फोर्स लग जाए इसकी वजह से, ऐसा कभी नहीं होता, सिर्फ ऐसे होता है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट का मीन आपका ये था। अब नेक्स्ट हम हेडिंग डालते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, और ये वेक्टर फॉर्म में इसका यूज होता है। तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस मतलब मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा चार्जेस हैं, यानी कि Q1, Q2, Q3 और मान लीजिए यहां पे आपका Q4 है। अब हम कह रहे हैं कि सेकेंड पे चार्ज क्या होगा, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मोर देन वन चार्ज है, ठीक है, इसको अगर सिंपल भाषा में ये समझाएं, मान लीजिए यहाँ पे कोई टेबल रखा हुआ है, आपने एक मीटर डिस्प्लेस किया, कोई दूसरा आया उसने दो मीटर और डिस्प्लेस किया, किसी ने आए तीन मीटर और डिस्प्लेस किया, तो हम कहें टोटल टेबल कितना डिस्प्लेस हुई, तो 1 + 2 + 3 यानी कि कितना हो गया 6 मीटर डिस्प्लेस हुई। इसका मतलब इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा था, या इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा था, या इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा था, तो अगर हम Q2 पे फोर्स, टोटल फोर्स निकालना चाहें तो तीनों के वजह से जो फोर्स Q2 पे लग रहा था उसको सम कर देंगे। उसी चीज को मैंने इसको डेफिनेशन में लिखा है कि अगर मान लीजिए किसी सिस्टम में नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग चार्ज है, यानी कि एक से ज्यादा नंबर ऑफ इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो जो नेट फोर्स होगा किसी एक चार्ज पे, जो नेट फोर्स होगा दूसरे की वजह से, वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, यानी इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से जितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा था उसको हम सम कर देंगे, ठीक है, बाय ऑल द अदर चार्ज। यही मैंने आपको पढ़ाया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए क्या है, अगर हम लिखें फोर्स ऑन टू, तो फोर्स ऑन टू किसकी वजह से हो रहा है, तो फोर्स ऑन टू किसकी वजह से लग रहा है, वन की वजह से लग रहा है, और किसकी वजह से, टू पे किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, थ्री की वजह से लग रहा है, और किसकी वजह से टू पे फोर्स लग रहा है, फोर की वजह से लग रहा है। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री चार्ज, थर्ड चार्ज, और फोर्स ऑन टू ड्यू टू फोर्थ चार्ज। अब हम इसके बीच में अगर देखें इस तरीके से, तो ये फोर्स आपका इधर लगेगा, क्या लगेगा, एफ ऑफ टू वन, रेडली आउटवर्ड होता है उसके सेंटर से मिला, ये इधर लगेगा एफ ऑफ टू थ्री, ठीक है, इसकी वजह से इस पे रेडली आउटवर्ड लगेगा क्या, एफ ऑफ टू फोर। तो इसी का जो ये वेक्टर, ये डायरेक्शन के अलोंग डायरेक्शन सहित होता है, तो इसी को हम कैसे लिखते हैं, हमने क्या लिखा, 1/4 πε, यहां पे क्या हो जाएगा, Q1 और Q2 है, दो चार्जेस हैं, और क्या हो जाएगा, जो आपका r स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन r ऑफ कौन सा स्क्वायर, r ऑफ 2 1, ठीक है। अब 2 3 के बीच में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4 πε, क्या लिखेंगे, Q2 Q3, क्योंकि अब 2 और 3 के बीच में चार्ज देख रहे हैं, और r फाइनल पोजीशन क्या है, 2 है, 3 का होल स्क्वायर, यहां मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, 2 3। ऐसे ही 2 4 को क्या लिखेंगे, 1/4 πε Q4 r of 2 4 का मॉड का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, r ऑफ 2 4 का यूनिट वेक्टर लेंगे। तो ये तीन, ये एक आया फोर्स आपका जो ये हुआ ये है, एक फोर्स आपका ये आया जो कि आपका ये है, और 2 4 आपका फोर्स क्या आया, ये आया, ठीक है। तो ये सारे का सम रहा, यही आपका क्या कहता है, सुपरपोजिशन आपको यही चीज आपको बताता है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, और इसके क्वेश्चंस नीट में भी बहुत अच्छे आते हैं, जैसे कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल हेक्सागोन पे सेंटर पे पूछेगा कि आपका फोर्स कितना लग रहा है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके जो है, इसके आगे फर्दर जो है, अगर न्यूमेरिकल्स रहेंगे या फिर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो मैं पूरा शुरू कर दूंगा, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल्स आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल्स में कराऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आपको नीड होगी तो कमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग ही मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप नीड हो आपको तो न्यूमेरिकल्स बोलें, मैं नीड के न्यूमेरिकल्स इस पर करा दूंगा। ओके, थैंक यू।